हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी अबाउट द स्टार फॉर्मेशन, यानी कि आज हम जो स्टार्स हैं, जो हमारे जो तारे हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द स्टार फॉर्मेशन डिवाइड द 13 पॉइंट्स। फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज अनइवन इन द यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड है, उसमें हम देखते हैं कि जो मैटर यानी कि पदार्थ एंड एनर्जी और जो ऊर्जा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका जो वितरण है वो अनइवन यानी कि असमान है। मतलब कहीं पर हम देखते हैं किसी प्लेनेट पे एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ के जो एलिमेंट यानी कि वहाँ के जो मैटर यानी कि पदार्थ हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है यानी कि जो ब्रह्मांड है, उसमें मैटर एंड एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन देखने को मिलता है। सेकंड इज द डेंसिटी डिफरेंस गिव राइज द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारी डेंसिटी का मतलब घनत्व, जो घनत्व है वो भी अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। और इसका कारण है, इसके कारण ही जो अलग अलग प्लैनेट होते हैं उसका जो ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो भी अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट है कंपेयर टू मून। यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, जुपिटर का अलग है, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, ये स्टार हैं, उन सब का ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होता है। तो उसमें भी जो स्टार फॉर्मेशन है उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉज्ड द मैटर टू गेट ड्रॉ टुगेदर, यानी कि सबसे पहली बात ये, जो मैटर यानी कि जो पदार्थ जो वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्टार्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मैटर यानी कि पदार्थ हैं उनसे डेवलप होते हैं, और वो पदार्थ आपस में किस तरीके के संबंध रखते हैं यह भी मैटर करता है एक स्टार के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज दिस इज द बेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी का मतलब आकाशगंगा, गैलेक्सी जो बहुत करोड़ों जो स्टार्स हैं उनके मिलने से जो डेवलप होती है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और जो ये बेस है गैलेक्सी का, जो बेस होता है वो स्टार फॉर्मेशन के द्वारा ही होता है कि वहाँ पर किस तरीके के स्टार्स हैं, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैलेक्सी यानी कि जो आकाशगंगा है उनका डेवलपमेंट करता है। गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार, गैलेक्सी जो होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टार यानी कि जो स्टार है यानी कि जो तारे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब बहुत बड़ी संख्या में जो तारे एक जगह पाए जाते हैं उसे हम गैलेक्सी कहते हैं, यानी कि उसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज मेजर विथ लाइट ईयर। जो स्टार्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उनका जो मेजर होता है यानी कि उनको उनके बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की जो दूरी होती है उसे हम जो लाइट ईयर से यानी कि प्रकाश वर्ष में उसे नापा जाता है। इट मींस जो हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है उसे मेजर यानी कि उसे नापने के लिए हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन वन ईयर वैन द ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर आवर। वन लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल समान होता है डिस्टेंस कवर्ड यानी कि वो इतना डिस्टेंस कवर करता है बाय द लाइट यानी कि जो प्रकाश है यानी कि जो एक लाइट है वो एक ईयर में जो जितना ट्रेवल करती है, जितनी दूरी तक जाती है वह उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है। द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर आर, और इसकी जो स्पीड होती है वो 300,000 किलोमीटर पर आर यानी कि एक घंटे में
ये जो प्रकाश वर्ष है इसकी जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर होती है, एक घंटे में 3 लाख किलोमीटर को कवर करता है। यानी कि पूरे साल में जो लाइट है यानी कि जो अपनी जो रोशनी है प्रकाश है वो जितने डिस्टेंस को कवर करता है वो उसका एक लाइट ईयर कहलाता है। और इससे की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है। द एवरेज डायमीटर ऑफ द स्टार इज 80,000 किलोमीटर टू 1,50,000 लाइट ईयर। अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो डायमीटर यानी कि जो एक स्टार है उसकी लंबाई चौड़ाई को अगर हम देखें, उसका डायमीटर को हम देखें, उसकी माप को हम देखें, तो 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष तक होता है। मतलब एक जो स्टार है उसका हम मिनिमम अगर एवरेज औसत के हिसाब से अगर हम उसका डायमीटर देखें तो 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स तक होता है। इट स्टार फॉर्मिंग बाय कम्युनिलेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। यानी कि जो स्टार है स्टार के फॉर्मिंग यानी स्टार के बनने में सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के कारण स्टार की फॉर्मेशन होती है जो क्लाउड यानी कि बादलों के रूप में वहाँ पर जमा रहती है। एक स्टार को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है जो क्लाउड यानी कि जो क्लाउड की फॉर्म में यानी कि जो बादल है बादलों की फॉर्म में वहाँ पर जमा रहती है। सो द हाइड्रोजन गैस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इन फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। द डिजायर गैस वर कोऑर्डिनेट्स इनटू स्टार। और इसके बाद भी जो अलग अलग जो गैसेज होती हैं वो भी अलग अलग स्टार पे अलग अलग जो एवरेज है जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अलग अलग मिलती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार वॉज अबाउट 6 to 5 BYA। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार ऑफ 6 to 5 BYA मतलब जो अगर हम देखें तो एक स्टार को बनने में लगभग 5 से 6 लाख वर्षों तक का समय लगता है। एक स्टार के फॉर्मेशन में इतना समय लगता है। ऑन लाइट ईयर इज 9.461 × 10/12 किलोमीटर। और एक जो लाइट ईयर है उसका जो मेज़र अपन देखें तो 9.461 × 10/12 किलोमीटर यानी कि इतनी दूरी में एक लाइट ईयर ट्रेवल करता है। द मेन डिस्टेंस फॉर द सन टू द अर्थ इज 8.311 मिनट। इट मीन्स जो सन है द मेन डिस्टेंस जो हम देखते हैं जो सन और जो अर्थ है यानी कि सूर्य और जो पृथ्वी है उसके बीच की जो दूरी है उसे पूरा करने में जो टाइम लगता है यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है जो लाइट है जो सनलाइट है उसको आने में जो टाइम लगता है वह है 8.311 मिनट यानी कि लगभग 8 मिनट के करीब टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। तो सो स्टूडेंट टुडे वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। तो हमने देखा आज हमने कि पढ़ा कि कैसे जो स्टार्स हैं उनका निर्माण उनकी स्थापना होती है। तो हमने देखा कि जो यूनिवर्स है उसमें मैटर एंड एनर्जी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ ही साथ अलग अलग स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट होता है। वहाँ पर अगर हम देखें तो जो मैटर यानी जो पदार्थ हैं वो आपस में एक साथ क्रिया करते हैं और जो स्टार है वो बेस होता है गैलेक्सी के फॉर्मेशन का। गैलेक्सी का मीन्स होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टार कंटेन होता है यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जब स्टार एक साथ होते हैं तो हम उसको गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। और जो डिस्टेंस है स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मेज़र करने के लिए हम लाइट ईयर्स का यानी कि प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं।
एक प्रकाश वर्ष यानी कि जो एक लाइट ईयर है वो इक्वल होता है एक जो लाइट है जो वन ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम वन लाइट ईयर कहते हैं। जो लाइट ईयर है जो लाइट है उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर आर, यानी कि जो हमारा लाइट है प्रकाश होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर आर यानी कि 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। एवरेज डायमेंशन अगर हम देखें स्टार का तो स्टार का एवरेज डायमेंशन होता है 18,000 to 1,15,000 light years यानी कि 80,000 से 1,50,000 light year यानी प्रकाश वर्ष का डायमेंशन एक स्टार का होता है। मेनली अगर हम देखें तो जो स्टार फॉर्मेशन में हाइड्रोजन गैस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो अलग अलग स्टार पर हमें अलग अलग तरीके की गैसेस मिलती हैं। एक जो लाइट ईयर होता है वो 9.461 × 10/12 किलोमीटर होता है और द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज 8.311 मिनट्स यानी कि जो सन है और जो अर्थ है सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे पूरा करने में सनलाइट को 8.311 मिनट लगते हैं अर्थात सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकंड के लगभग समय लगता है। तो आज हमने द स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट।